बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी अटेन में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मंडे है, वीक का पहला दिन है और ऑफ के बाद जब आते हैं वापस थोड़ा सा सुस्ती तो महसूस होती है, लेकिन जब काम का आगाज़ हो जाए फिर आपको जी जागना पड़ता है और काम करना पड़ता है। सो अपनी तमाम हफ्ते की अगर प्लानिंग आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, तमाम काम टाइम पर निपटाएंगे तो अच्छा उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। एक आज का मैसेज ये है कि वक्त की पाबंदी ज़रूर कीजिए, नाकामी से आप बचेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज खबरें। इमरान खान की गिरफ्तारी में कारकुन ढाल, हाईकोर्ट जमानत लेने की भी कोशिश। तीन सौ आठ मुलजमान गिरफ्तार, पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। तमाम प्रोग्राम इस बार स्पॉन्सर होंगे, जश्न महारा मेला सज गया। आगाज बीच मार्च से होगा, यूटिलिटी स्टोर पर 5 अरब के रमजान पैकेज। अच्छा जी, खबरें आप जान चुके हैं, इनकी डिटेल्स की तरफ आएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब और अली साही साहब ने ज्वाइन किया है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली खबर की तरफ आएंगे। कल एकदम से जब टीवी ऑन किया और मैं देख के परेशान हो गई, गालिबन कोई 12 बजे तक का 12:30 का टाइम था। सो वो एक परेशानी की सिचुएशन ये थी कि एकदम से हो क्या गया है वो, फिर आपको पता है हमें उस तरह से एक्टिव रहना पड़ता है। फिर पता चला जी जमान पाक के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और वो तमाम खबरें जो दिन भर चलती रहीं। हाईकोर्ट से जमानत लेने की भी कोशिश, इमरान खान की गिरफ्तारी में कारकुन ढाल बन गए। गिरफ्तारी होनी भी थी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। शाहिद सिप्रा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि मुझे शिबली फराज साहब का एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा है कि अगर इनको गिरफ्तार किया गया तो हम दोबारा जेल भरो तहरीक चलाएंगे। तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन वो ट्वीट थी कि आप एक लीडर जिसके वारंट जारी हुए हैं और वो घर होने के बावजूद उस पर आप लिख रहे हैं कि वो जमान पार्क में मौजूद नहीं, और फिर उसकी जस्टिफिकेशन आप पता नहीं किस तरीके से दे रहे हैं कि मैंने कौन सा लिखा था कि वो घर में नहीं है व्हाटसएवर। बात यह है कि सियासी तौर पे अगर आपने कद काठ देखना है तो बाकी दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके लीडरान को देखें, उनके लीडर्स को देखें, चाहे पीपल्स पार्टी को देख लें, आप साबिक जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी उनको देख लें, कितने साल उन्होंने जेल काटी, नवाज लीग के बहुत सारे लोगों ने, अभी जो वुजरा हैं उन्होंने काटी। की कल ट्वीट भी जो थी वो खासी हर जुबान ज़दे आम रही जो उन्होंने ट्वीट की। देखें, बात करने का मकसद यह है कि एक वो लीडर जो कहता है कि मेरे साथ स्ट्रीट पावर है, होगी, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि इस वक्त जो महंगाई के हालात हैं इसमें लोग डाइवर्ट होना चाह रहे हैं, वो आयन और कानून की पासदारी ना करें। एक अदालत आपको बुलाती, आप ना जाएं, उसके बाद आपके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं और पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है कि आप साहब को गिरफ्तार करके ले आएं और वो आपके घर पे पहुँचे, आप उनसे उनके वारंट जो हैं वो रिसीव करने के बाद अगर वो आपको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं तो उस पर आप एक तरफ तो कहते हैं जेल भरो तहरीक चलानी है, दूसरी तरफ आप हाई कोर्ट बंद है और वहाँ पे जो संतरी खड़ा है, जो पुलिस एहलकार खड़ा, आप उसको जाके दे आए हैं कि ये हमने पिटीशन जो है वो हिफाजती जमानत की हम फाइल कर रहे हैं। फिर दूसरा आप फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 15 से 20 मिनट में कारकुन जमान पार्क पहुँचे, इसका क्या मतलब है कि आप गिरफ्तारी से खौफ ज़दा हैं? ऑब्वियसली साफ नजर। फिर आप लीडर कैसे हैं? अगर आप इसको सियासत कहते हैं या आप इसको कहते हैं कि मैं 72 साल का हूँ मुझे गिरफ्तार करने जाते हैं, तो आप बड़े सियासतदान बने ना, आप कुर्बानी दें। जेल भरो तहरीक के लिए आप कहते हैं कि मैंने निकलना है, लोगों को निकालना है, तो आप सबसे पहले ये जो आपको पुलिस लेने आई थी ये तो एक दिन गुजारते ना, उन्होंने आपको पेशकारी देना था कल 7 मार्च को पेश करना था ना, 24 घंटे का ही वक्त आप चले जाते। तो ये हालात इसी तरह चलते रहने, पंजाबी की एक मिसाल है कि मारन नालों बजाना ज्यादा है, पुलिस कर रही है। कल तो ऐसे नजर आ रहा था। वो जिस तरह सिप्रा साहब बात कर रहे थे कि शिबली साहब का जो ट्वीट है कि जेल भरो तहरीक, मैंने सैटरडे खबर दी थी या गालबन फ्राइडे को दी थी कि 435 बंदे जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं इनके, जितने भी वो 5-10 जिलों में इन्होंने किया, उसके बाद तो इन्होंने मुखर कर दी या मनसूख कर दी वो तहरीक। तो ये देखें कि वैसे क्या कहते हैं कि हर जलसे में लाखों की तादाद में जो इनका कहना है कि लोग आते हैं, तो वो लोग कहाँ पे हैं, वो जेलों में क्यों नहीं जाते?
कि सिर्फ तस्वीर बनवाते हैं, तो 10,000 की गुंजाइश रखी थी जेल वालों ने, उन्होंने बैरक्स साफ करवाई थी, तो सिर्फ 2 बैरक्स भी पूरी नहीं भरी गई पूरी पंजाब की जेलों में, चूँकि एक बैरक में 120 से लेकर 240 तक कैदी आते हैं, तो आपने तो 2 बैरक्स पूरी नहीं कर सके। इसका मतलब है आप सारे मम्मी डैडी लोग हैं, सिर्फ एंजॉय करने आते हैं, जलसे जुलूसों में मजे करने जो कि वो बेचारे पछता रहे हैं। ये और अगली बात जो है ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, लीडर तो उसको जितनी देर मर्जी जेल में रखें उसको तो उसका तो बयानिया मजबूत होता है, उसको तो कोई खौफ ही नहीं। यहाँ तो बयानिया हर दूसरे दिन आपको चेंज होता नजर आ रहा है, चेंज होता नजर आ रहा है। जरदारी साहब 14 साल जेल में रहे हैं, बीबी बेनजीर भुट्टो जेल में रही हैं, नवाज शरीफ जेल में रहे हैं, शहबाज शरीफ जेल में रहे हैं, तो आपको जेल में जाते हुए क्या मसला, क्या है डर किस बात का है? और अगली बात जो आप कहते हैं कारकुनान डाल बन गए और फलां आ गया और फलां आ गया, मैं आपको ये सच्ची बात कह रहा हूँ, एक तो ये वायलेशन है कानून की खिलाफ वर्जी है। आप मुझे बताएं मेरे घर में सिप्रा साहब के आपके पास पुलिस है और इस तरह लोग करेंगे तो आप एक और FIR कट जाएगी, ऐसे ही है बिल्कुल। और दूसरी बात ये आपकी बिल्कुल भूल है कि आप अरेस्ट नहीं हो पा रहे कारकुनान की वजह से, नहीं जी, जब सिर्फ गवर्नमेंट इनको डरा रही है, जिस दिन उन्होंने अरेस्ट करना है तो इनको पता भी नहीं चलना, इनको उठा के ले जाना, ये चाहे बुरका पहन के खड़े हो जाए या ये किसी जगह छुप जाए या ये अपने कमरे की कबर्ड में बंद हो जाए, जिस दिन स्टेट ने इनको अरेस्ट करने पे आना है तो मैक्सिमम 10 मिनट लगने हैं, और ये जो सारे लोग बाहर खड़े हैं आपको कोई एक भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये देख लिया जेल भरा तहरीक में कि कितना इनका लगाव है अपने लीडर के साथ, किस तरह इन्होंने जेल गुब्बारे से हवा निकल गई है। कह रहा था कि सानिया मॉडल टाउन जाते हैं, अल्लाह करे अल्लाह ना करे ऐसा वाकया ना हो, क्योंकि मैं तो उसका ऐनी शाहिद भी हूँ और उसको हमने देखा हुआ है। मुझे ये बताएं कि ये जो इनके कारकुन है ना, इनके लिए वाटर कैनन ही काफी है, उसमें आप पिंक और ग्रीन और वाटर कैनन दिखाना ही काफी है, वाटर कैनन दिखाना ही काफी है। ये आप कहें कि वो उस तरफ चली जाएगी बात, वो बात नहीं है, वो और कारकुन थे जिन्होंने इस तरह मजाहमत की और सारी चीजें चलती रही, ये नहीं होता है ऐसा। यहाँ तो 2-4 आप प्रिजन वैन किनार रोड पे खड़ी करते हैं तो लेफ्ट राइट होना शुरू हो जाते हैं लोग, आपको जेल भरो तहरीक में नहीं देखा आप विक्ट्री लेके खड़े होते हैं तस्वीर बना के कहते हैं नहीं मैं बच के नमाज पढ़ा हुआ, इस तरह थोड़ी तहरीक चलती है। आपने सियासी कुर्बानियां देनी है, खाने पड़ते हैं आपको, साथ चलना है फिर और तरीके। आप देखें अच्छा अदालत में पेश होना जी, डॉक्टर्स ने कह दिया ना कि आप जल्द से करें, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ, डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप जल्द से कर लें डॉक्टर, मैं उस दिन कहने लगा था ट्वीट पे कि मैंने कहा कि आप डॉक्टर ने चलो शुक्र है जलसों की इजाज़त दे दी है, अगर अदालतों में पेशी आई या हवालात में जाना पड़े तो उसकी पत्नी आप इजाज़त दी है कि नहीं दी, शायद आप डॉक्टर्स ना दें। अब एक और आ जाएगी चीज़ इसके बाद, अब ये जो लेटर इन्होंने लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो वीडियो लिंक के जरिए मैं पेश होना चाहता हूँ, तो फिर कानून तो सबके लिए बराबर हो, यहाँ तो एक चोरी का मुकदमा होता है और आप नाबालिग बच्चे को भी हथकड़ी लगाकर आप अदालत में ऐसे या फिर आप ये कैसे भूल जाते हैं कि मका फातिह अमल भी कोई चीज है, कल जो आपने दूसरों के लिए किया आज आपके साथ होगा। खैर यहाँ शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं अभी नहीं हुआ, अभी एक ये तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये एक पैटर्न सेट कर रहे हैं कि आइंदा कोई भी लीडर होगा या कोई भी बड़ा आदमी जिस पे कोई पर्चा हो जाएगा कोई गलत काम करेगा तो इसका मतलब है अदालत उसको 2 दिन बुलाती रहेगी, आ जाएंगे वो नहीं आएंगे, आ जाएंगे हाँ, वो नहीं आएगा। उसके बाद अगर बात करें कि कभी वीडियो लिंक में आप कौन से आपको गोलियां लगी कौन सी हैं जो ठीक होने का नाम ही नहीं, मैं कहती हूँ लोग डॉक्टर्स ऐसे तलाश कर रहे हैं जो इतना नहीं, तो फिर, हो गए फिर आगे आ गए इलेक्शन की इजाजत दे दी उन्होंने, अभी ये कह रहे हैं इलेक्शन ये जो डेट इन्होंने अनाउंस करवाई है इनके मुताबिक अगर इलेक्शन आ गए तो फिर ये किस तरह कैंपेन चलाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर अब कैंपेन चलनी कैसे है, इख्तलाफात भी सामने आ गए, तहरीक इंसाफ को टिकटों की तकसीम में मुश्किलात है, पीपी 146 में मुमकिन उम्मीदवार मलिक वकार पर करप्शन इल्जाम है, टिकट देने पर सीनियर रहनुमाओं के तहफुजात हैं, एक ये मसला भी खड़ा हो गया शायद। ये तो होना है, ये देखें पार्टी के अंदर ये होता है इस तरह के तहफुजात होते हैं और बहुत सारे लोग जो आपको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको पार्टी फंडिंग कर रहे होते हैं और आपके साथ खड़े होते हैं, उनकी ख्वाहिश आखिरी यही होती है कि काउंसलर से लेकर MLA तक उनको क्यों कोई ना कोई टिकट मिले, हर का अपना लेवल होता है, अपने अपने लेवल पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ तो यही है कि अब PTI जो है वो अब टिकटें तकसीम करने जा रही है और उनका ये बयानिया है कि हम अपने जो बेहतरीन जो कैंडिडेट्स हैं जो उम्मीदवार हैं उनको मैदान में लाएंगे। अब देखिएगा ये जो तहफ़ुज़ात उनके अपने लोग लगा रहे हैं, इल्ज़ामात अपने लोगों की तरफ से उनके उम्मीदवारों के खिलाफ आ रहे हैं जिनको वो टिकट देना चाह रहे हैं, तो अभी जब ये अदालतों में खड़े होंगे, जब आपकी अपोजिशन जो होगी जो मुखालिफ उम्मीदवार होंगे जब उन्होंने आप पे तहफ़ुज़ात का इजहार करना है वो तो बड़ी दूर की बात है।
इसका क्या मतलब है कि पार्टी के अंदर अभी जो मामला चल रहे हैं वो गड़बड़ हैं। आपने टिकट देना है, अल्टीमेटली देना है, लेकिन किसको देना है? तो जब आप ये उम्मीदवार आपस में लड़ेंगे तो पार्टी की साख जो है मुतासिर होगी। पहले जो साख है वो सबको पता है, लेकिन वो ज़रूर मुतासिर होगी। अगर अमूमी तौर पर देखा जाए तो इसमें ज़रूर मुश्किल आएंगी पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ को, लेकिन आखिर में वही होगा जो अच्छे तरीके से पार्टी की फंडिंग करेगा, जो उनके साथ बात है, हमने माजी में ये छोड़ दें कि मोटर मैकेनिक जो है उसको हम दे देंगे, जनरल स्टोर वाले को हम दे देंगे, तो बड़ी बड़ी एटीएम्स मौजूद हो रही हैं। ना बात ये है कि जो भी पार्टी चल रही होती है वो जो आपको 20-25 लोग नजर आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं से नहीं चल रही होती। बेसिकली वो जो एक तंजीमी ढांचा बड़ा बना होता है जब पार्टी शुरू होती है, जिन लोगों ने मेहनत की होती है, जद्दोजहद की होती है, जिन लोगों ने मारें खाई होती हैं, अपना वक्त ज़ाया करके सिर्फ अपनी पार्टी को खड़ा किया होता है, तो खान साहब ने उन सारे लोगों को इग्नोर किया। और मैं कई ऐसे दर्जनों ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिस दिन खान साहब ने अनाउंस किया था कि वो पार्टी शुरू कर रहे हैं तहरीके इंसाफ, वो तब से इनके साथ हैं और उनको आज तक किसी जगह पर ना सपोर्ट किया गया ना प्रमोट किया गया, और अब भी वो इनके लिए काम कर रहे हैं। वो कोई किसी को तहसील का वो सदर बना दिया है, वो जो भी इस तरह के, लेकिन अब अवेयरनेस आ गई है। जिस तरह ये सोशल मीडिया पे हुकूमत पे ट्रोलिंग करते हैं, लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, इसी तरह इनके कारकुनान भी और वर्कर्स भी एक्टिव हैं। वो कहते हैं कि ये जो लोग वो आ गए हैं उस पर पैराशूट के ज़रिए, इनको टिकटें नहीं मिलनी चाहिए। ये जो लोग साला साल से आपके साथ काम करें उनको टिकटें दें, जो आपका बयानिया था जी कि आप जी वो करप्ट लोगों को टिकटें नहीं देंगे, पाक लोगों को टिकटें देंगे, तो दें ना उनको, दें बिल्कुल। तो आप फिर ये वही जो हम कई सालों से लोगों को देखते आ रहे हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी में होते हैं, कभी वो नून लीग में होते हैं, कभी वो किसी में होते हैं, और फिर वो तहरीक इंसाफ में आते हैं, यहाँ पर आकर उनको स्टम्प लग जाती है कि ये तो साधक नहीं है। तो आप देखिएगा बनता क्या है। अब वो इनको थोड़ा बहुत टफ टाइम मिलेगा, जिस तरह ये लोगों को सोशल मीडिया पे तंग करते हैं, इनके अपने लोगों को तंग करते हैं। खैर यहाँ पे साहिब, खबर ये भी है कि पीटीआई के 9 मुनहरफीन को नून लीग का टिकट मिलेगा, असद खोखर का नाम शामिल है, और इसके साथ मुनहरफीन राजा सगीर, फिदा बट्टू, सप्तैन रजा, नोमान लंगड़ियाल को नून लीग का टिकट मिलेगा, हतनी फैसला मरियम साहिबा करेंगी। जी शायद सिपरा साहब, अच्छा इसमें देखें जनूबी पंजाब के ज़्यादा नाम हैं उस साइड के, अच्छा उस तरफ टिकट मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी उसी साइड से है, वहाँ शख्सी वोट होता है। अच्छा, आपकी शख्सियत के कि इसका दादा कौन है, इसका परदादा कौन है, ये कब से ख़ानदानी सियासत होती है ना, उसकी बुनियाद पर। अब फैसल सालों याद की फार मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब उनका या सैयद आबदा हुसैन का देखें जंग से जो लड़ते हैं, अब उनको टिकट या किसकी ज़रूरत नहीं है, वो अपना इलेक्शन चलता है उनका। इसी तरह ये जो जिनमें नाम है आप देखें, इसमें असलम भरवाना जो है, ये भरवाना फैमिली, हम छोटे छोटे होते थे तब तक, ये मेरा हलका है जहाँ से ये लड़ते हैं, सही, जहाँ मेरा आबाई घर है, तो ये छोटे थे तो तब से भरवाना फैमिली लड़ रही है। अब इनको पीटीआई या नून लीग के टिकट से कोई कंसर्न नहीं, उनको पता है कि ये खानदान जो इलेक्शन लड़ता है उन्होंने अपनी मेहनत करनी है उस पर होता है। इसी तरह फैसल जब्बूवाना का जो नाम है ये भी उसी साइड से है, नुमान लंगड़ियाल ये भी उसी साइड। ये जनूबी पंजाब की जो सियासत है वो टिकट पे इतना मैटर नहीं करती, वो शख्सियत पे करती है। और आप देखें हमारी सियासत में, चाहे आप कौमी असम्बली को देख लें, चाहे पंजाब को देख लें, 35 से 40 ऐसे खानदान हैं जो हुकूमत बनाते हैं और हम हुकूमत गिराते हैं, और वो या घड़े के निशान पर लड़ रहे होते हैं, या ट्रैक्टर के निशान पर लड़के आते हैं, या किसी बाल्टी के निशान पर लड़के वो आ रहे होते हैं, उनको ये शेर और तीर और ये बल्ला शल्ला ये मैटर नहीं करता उनको। इसलिए इनको अगर टिकट मिलेगा तो ये बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज ये अगर आज़ाद भी लड़ेंगे आपको टिकट नहीं मिलेगी, चूंकि इलेक्टेबल चाहिए, हमने गवर्नमेंट बनानी है, हमने इस मुल्क को ठीक करना है, जिसे 3.5 साल किया ना, वो जो एक मैकेनिक होता है ना जो गाड़ी को पहली एक्सीडेंट होती है उसको मजीद तबाह कर देता है, ये उस तरह इन्होंने गाड़ियाँ ठीक करनी है, इस तरह मुल्क ठीक करना है, तो ये है इलेक्टेबल। लेकिन मुश्किलात तो है ना, नून लीग के अपने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हीं हल्कों में, और इनके ये जो लोग जिन लोगों ने इनके लिए छोड़ा तहरीक इंसाफ को और नून लीग का साथ दिया, जाहिर है ये बहुत मुश्किल डिसीजन है, बस ये क्यादत इंतहाई मुश्किल में होगी जब भी डिसाइड करेगी। अगर ये इनके हक में करेगी तो नून लीग वाले नाराज होंगे, और अगर नून लीग वालों को टिकट मिल जाएगी तो ये लोग भी कहेंगे कि हमने आपका मुश्किल वक्त में साथ दिया। चलिए अब ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि इसका क्या क्या रिजल्ट आगे आता है, कौन लोग नाराज़ होते हैं और किन लोगों को जो है नवाज दिया जाता है। खैर और ये सब चीज़ें मुल्क के मुफाद में अगर हों तो ज़्यादा बेहतर हैं, आवाम के मुफाद में हों तो ज़्यादा बेहतर है। हमने फिलहाल ब्रेक लेनी है, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और फाइनली बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है सीसीपीओ का, पतंगबाजों धाती डोर मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ फौरी एफआईआर दर्ज करने, ऑनलाइन फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी एक्शन का हुक्म। स्पेशल एंटी काइट फ्लाइंग स्क्वाड एक्शन में रहा, 10,300 से ज्यादा पतंगे चरखियां बरामद की गई। साई साहब, ये पुलिस ने ही कार्रवाई की है, ये स्पेशल एंटी काइट फ्लाइंग स्क्वाड? ना बिल्कुल, ये सीएम साहब की जो डायरेक्शन थी। सिप्रा साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं, नहीं, नहीं मैं इसीलिए सिप्रा साहब सही आ गए ना, सिप्रा साहब खामोश रहे हैं, शायद पुलिस की सिर्फ नहीं नहीं सी, वो मैंने कहा पहले बता दो आ गए हैं, आ गए हैं, नहीं सिप्रा साहब को मैं इसीलिए खामोश हो गए। बेसिकली पिछले सैटरडे को सीएम साहब ने डायरेक्शन दी थी कि ये जो काइट फ्लाइंग की वजह से लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, जख्मी हो रही हैं, इस पर सख्त एक्शन लिया जाए, जिस पर आईजी की जानिब से डायरेक्शन दी गई कि अब जो भी पतंग बनाने वाला, डोर बनाने वाला या उड़ाने वाला और बेचने वाला जो भी पकड़ा जाएगा, इसको 3 MPU के तहत कम अज़ कम 1 माह के लिए जेल में भिजवाया जाए, ताकि इनको कुछ असर तो हो, इनको पता तो चले कि ये आपको पता ही नहीं, ये ऐसा खौफनाक काम है कि किसी बंदे की जान चली गई है, पता ही नहीं किसने पतंग, कौन पतंग उड़ा रहा था, किसकी डोर से इतनी कीमती जान ज़ाया हो गई है। और आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, हम हर मंडे को डिस्कस करते हैं कि कोई ना कोई जख्मी हो गया, कोई ना कोई जान चली गई। तो अब CCPO की जानब से अगर ये काम किया जा रहा है, तो ये मेरा ख्याल है सबसे पहले गुजरांवाला पुलिस राणा यासलीम की जानब से ये काम किया गया था कि पिछले संडे को उन्होंने 6 बंदे 3 MPU के तहत सबसे पहले भेजे थे, और गुजरांवाला रीजन में सारे जितने भी पकड़े जा रहे हैं वो सारे इसी तरह जा रहे हैं। अब अगर CCPO की जानब से इतने बड़े तादाद में लोगों को पकड़ा गया है, पतंगें बरामद हुई हैं, सामान पकड़ा गया, पतंग बाज पकड़े गए हैं, तो इनको एक एक माह के लिए कम से कम दूसरे शहरों में तो बसंत हो रही है और यहाँ से सामान जा रहा है हो रही। मैं यही तो कहने लगा था कि ये सबसे इंतहाई शर्मनाक बात है कि इतनी कीमती जानें ज़ाया हो गई, इतने लोग जख्मी हो गए, लेकिन जो बना रहा है वो आपको पता है सोसाइटी में कोई बंदा पुलिस को इतला नहीं करेगा। पुलिस ने अगर खुद से पकड़ना है तो वो कांस्टेबल लेवल के लोग होते हैं, उनको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि किसी का नुकसान हो गया, कोई जान चली गई है, वो अपने हिसाब से डील करते हैं और डील करके निकल जाते हैं, और वो बंदा उसी तरह काम कर रहा होता है और उन्हीं की सरपरस्ती में काम कर रहा होता है। तो इसके लिए CCPO की जानिब से जो स्क्वाड बनाया गया है, अगर नेक नीति से काम करेगा तो पतंगबाजी क्या हर चीज़ ख़त्म हो सकती है, इमरान खान साहब भी अरेस्ट हो सकते हैं अगर आप अच्छा। दिल से कोई भी काम करना चाहें अगर आप दिल से कोई काम करना चाहें साई साहब देख लें आप कहाँ की बात कहाँ ले रही। नहीं नहीं मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि पुलिस अगर काम करना चाहे तो सारा कुछ कर सकती है। और इस तरह देखे ना, कल 308 लोग कह रहे हैं पकड़े गए हैं, पहले कभी आपने ये खबर? जख्मी है वो, उनको फिर भी अरेस्ट किया जा सकता है? नहीं देखे, अगर आप जख्मी हैं या जो मर्जी हैं, आप 2 बंदों को बाहर हल्ला गुल्ला करवा रहे हैं, आप कहाँ कहाँ पे जाते हैं तो किस तरह वायलेशन होती हैं, आप भी तो वो उन पे FIR देते थे ना। नहीं तो जख्मी जो मुल्ज़िम और मुजरिम हैं उनको हॉस्पिटल्स में इलाज मुआवजे नहीं मिल रहा होता है? नहीं आपका क्या हो यार, ये अच्छा आपका क्या मुकदस गाय आप बना रहे हैं? नहीं आपका क्या ख्याल है, कोई जख्मी हो जाए ना उनको बार बार इसी बेस पे कोई बीमार हो जाए, कोई जख्मी हो जाए, डॉक्टर्स ने कह दिया आप रिलीफ का कुछ और ढूंढे? नहीं आप जख्मी हो जाए, बीमार हो जाए तो आप जो मर्जी करें। अच्छा बात पतंगबाजी की हो रही है, ये 308 लोगों को आपने पकड़ा, इन्हीं को मिसाल बना दें, साई साहब बना रहे हैं बता रहे हैं, इन्हीं को मिसाल बना दे, मैं कहता हूँ पूरा शहर ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। उनको दिखाएं अदालतों के जो केसेस हैं, अदालतों में जेरे समाज जब केसेस हों उनको आप हाईलाइट करें कि ये वो लोग हैं जो पतंग बना रहे हैं, ये इन्होंने बेचा, इन्होंने पतंगबाजी की, उनको मिसाल बनाए, यही 300 लोग आप मिसाल बना दे, खत्म आ जाएगा। बेसिकली देख हमारे यहाँ जजा सजा का जब तक शुरू नहीं होगा, चाहे आप सियासत में कर लें, चाहे आप इंफरादी देख लें, इज्तमाही देख लें, जजा सजा एहतसाब का अमल जब तक नहीं होगा तब तक माजरत के साथ हम उस कौम ही नहीं है काम सीखें। बिल्कुल आपने, इसलिए इन लोगों को जिस तरह साई साहब कह रहे हैं 1 महीना जेल में डालें, यहाँ तो लोग एक दिन हवालात में जाने से डरते रहे और डाल बन के लोग डर रहे हैं, और देखे ना इनको आप डालें, देखें जेल ये नहीं है कि आप चले गए, जेल का जो खौफ है, जो वो फिजा है, जो आपका अकेलापन है, जो आपकी फैमिली से दूर होना, रिश्तेदारों से, और जो आप खुली फिजा में फिरते हैं, ये जो नफसियाती तौर पे आपका टॉर्चर होता है ये बड़ा मुश्किल होता है। हर 15 मिनट जो आप प्रेस हर 15 मिनट बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं माइक आगे रखते हैं, फिर वो कभी मुसर्रत चीमा आ जाती है। और ये बच्चे जो हैं जो 18 20 साल 25 साल के, ये ज़्यादा इसी एज के लोग होते हैं ना, जवानी होती है और बड़ा उस वक्त सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इनको भी जब आप ले जाएंगे
इनमें से आपके मैक्सिमम 99% लोग खुद ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, ऐसा ही है। और एक ऐसा मैसेज जाएगा पूरे शहर में। मुझे लगता है ये पतंग उड़ाने वालों से ज्यादा हमारे लिए खतरे की बात वो लोग हैं ये जो इतनी धाती डोर बना रहे हैं। अब सबसे पहले इन पर हाथ डालना जरूरी है। जड़ से पकड़ेंगे तो फिर तो उसका तो कोई और दूसरा मैं कहता हूँ कि नेमुल बदल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही ले। मुझे खबर को वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी, तमाम पेरेंट्स से भी, प्लीज नजर रखें अपने बच्चों पर। ये मौका ही ना आने दें किसी की भी जिंदगी चली जाए आप लोगों की वजह से, हमारी वजह से, तो ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। तो प्लीज आज अगर किसी की जान जा रही है, कल कोई भी हो सकता है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिए। ये नौबत ही ना आने दें। ये वो मसला है कि हम सब जब तक मिलकर इस पे काम नहीं करेंगे कलेक्टिवली, इसके नतीजे अच्छे नहीं मिलेंगे हमें। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। कुछ जश्न बहारा की तकरीबात के हवाले से बात कर लेते हैं। लाहौरिये तो वैसे ही इंतजार में रहते हैं कि शहर में कोई इवेंट हो, लेकिन इस दफ़ा प्रोग्राम कुछ डिफरेंट है, हम ब्रेक में भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे। तो शायद सिप्रा साहब कुछ डिटेल्स बताइएगा जश्न बहारा। देखिए दो पहलू हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि आप सरकारी खजाने पर बोझ नहीं बन रहे, ये सबसे अहम पहलू, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जश्न बहारा को उस सतह पर जाकर मना रहे हैं कि जिस तरह पहले मैंने नहीं देखा, जिस ब्रेक में मैं जिस तरह जिक्र भी कर रहा था कि आपने मज़ारात पे महफिल समा आपकी हो रही है, कवालियाँ हो रही हैं, उसमें कल्चरल रंग जो है वो भरा जाए, उसको सूफी रंग का नाम दिया जा रहा है। इसी तरह हजूरी बाग में एक तकरीब होगी, दरबार हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह पे एक तकरीब होगी, इसी तरह दरबार मादुलाल हुसैन, हजरत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, जिसको मेला चिरागा कहा जाता है, पूरी दुनिया में ये मेला मशहूर है, उनकी तकरीबात 27-28 मार्च को होती थी, लेकिन उनको तब्दील किया गया और जश्न बहारा के साथ मुंसलिक किया गया, एक रमजान मुबारक और दूसरा जश्न बहारा, अब वो 11, 12 और 13 मार्च को होंगी। ये सारी चीज़ें मिलाकर एक जश्न जो है और एक लोगों को इस तरह का फेस्टिवल दिया जा रहा है ताकि वो लुत्फ अंदोज़ हो सके। मैं कल गुजरा रात में, मैं मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि लाइट्स और मेरे बच्चे मेरे साथ थे, वो ऊँट बने हुए थे, वो कैमल था वहाँ पे, हॉर्सेस थे, वो बाय लाइट्स की मदद से जो है गाय बनी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें तो बच्चे उनको बड़ा पसंद कर रहे थे। गुजरते उन्होंने कहा कि बाबा हॉर्स आ गया है, कैमल आ गया है, तो काऊ आ गया, इस तरह की चीज़ देखें, ये बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। और जिस तरह हमारे मुल्क की हालात हैं, जिस तरह हम लोग महंगाई में दबे हुए हैं, अब महंगे महंगे प्लेलैंड हर कोई अपने बच्चों को नहीं लेके जा सकता। 2,000-3,000 में कौन ले जाएगा? ना 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 ना, वो तो यही सोचेगा कि चलो दो दिन हांडी पक जाएगी, हालात तो यहाँ तक चले गए हुए ना। एग्जैक्ट, इसलिए सरकारी सतह पे इस तरह के फेस्टिवल का इनेकाद और फिर सरकार पर बोझ भी ना बनना, और बाकी जो लोग हैं लेफ्ट राइट से जिनको मर्जी मिला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, अगर वो आपकी खुशियां देने के लिए अपनी कुछ थोड़ी थोड़ी खुशियों को कुर्बान कर रहे हैं और इतने बड़े लेवल पर जो लोगों को खुशियां दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए हमें दुआ गो भी होना चाहिए। और दुआ ये करनी चाहिए, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना जिलानी पार्क लोग आ रहे हैं, रात आपके जे रोड पे सर्विस लेन पे सब पार्किंग ही पार्किंग थी। आप देखिएगा नेक्स्ट जो आएगा संडे, इस पे देखिएगा, हर पार्क में हर बाग में कोई ना कोई फेस्टिविटी हो रही है, अदरवाइज ये सिर्फ हमें जिलानी पार्क तक कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। जिस तरह का एक घुटन सा माहौल है और लोग परेशान है, कोई है ही नहीं एंटरटेनमेंट सवाए थिएटर के, वो जो एक जमान पार्क में लगा हुआ है नहीं वो लगा हुआ है ना, मैं उसमें तो कोई ऐसी देखे ना, हर रोज कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है, कभी खान साहब को पकड़ने दो पुलिस वाले आ गए हैं, 10,000 बंदा इकट्ठा हो गया, कभी वो मैंने सुबह साहब गिरफ्तारी हो सकती थी, कारकुन तो फिर आते ही हैं, क्या ऐसा मसला क्या है, मतलब खबर कोई भी मैं डिस्कस करती साई साहब ने कल वाला, नहीं नहीं वो थिएटर नहीं है वहाँ पे, वो देखे ना दोस्त वो पुलिस वाले आ गए इस्लामाबाद से, साई साहब जो बात करना चाह रहे हैं वो अभी कर नहीं रहे, अभी वो बड़े दबे लफ्जों में रह गए बात करना। मैं सुबह 5 बजे देख रहा था मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, वो सुबह सुबह वो कह रहे थे हम ठंडी सड़क वाली साइड पे खड़े हैं ताकि इस साइड से पुलिस ना आ जाए, वो 10 लोग खड़े थे कि हम पुलिस को रोकने के लिए खड़े हैं। अब हर बंदा एक तो नंबर गेम कर रहा है कि खान साहब के सामने बड़ी हमारा नाम हो जाए, लेकिन जो उनके करीबी लोग हैं वो कहते हैं उनका दोस्त कोई नहीं। ये बात याद रखिएगा, जो भी जो मर्जी कर ले ये बात जरूर याद रखिए। सर छोड़े फेस्टिवल पे लोगों को एंजॉयमेंट की बात करें, फेस्टिवल पे बात करें, अगर छोड़ दें इस चीज़ को, आपने सस्ता थिएटर देखना है तो वो आप कोई न्यूज चैनल लगा लें, आपको कोई ना कोई नजर आ रहा होगा कि जमान पार्क में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो दूसरी बात ये है, सीएम साहब ने आपको पता है हमारे तो वो यहाँ पे पिछले अरसा दराज से हम चीज़ों को देख रहे आ रहे हैं, वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज, बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ को अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं। हमारा यहाँ पे कोई ईद का त्यौहार हो, शब बरात हो या क्रिसमस का मौका हो, वो हर चीज़ को एक तरह हम सारे इंजॉय करते हैं,
तो ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा उसी एक अदारे से उठ के अगर पूरे पंजाब को वो लीड कर रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह इस तरह के इवेंट्स नहीं होंगे। और ये भी आप याद रखिएगा कि पैसे उस तरह खर्च नहीं होंगे, ना सियासतदानों की जेब में जाएंगे, ना ब्यूरोक्रेट्स की जेब में जाएंगे, ना कोई और खर्चा जो अखराजात है वो अपने जेब में लेके जाएगा, वो सारे के सारे पैसे लोगों पे लगेंगे और इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जाएगा। इसका सिर्फ फ़ायदा ये होगा कि जो आम आवाम जो इन चीज़ जो प्ले लैंड को नहीं अफोर्ड कर सकती उनके लिए बड़ी अच्छी ये एक्टिविटी होगी। हर पार्क में कोई ना कोई स्टॉल लगे हैं, किसी जगह पर भी महफिलें हो रही हैं, किसी जगह पे क्वाली नाइट्स हो रही हैं, जिस तरह सितरा साहब बता रहे हैं महफिल समा हो रहा है, तो जहाँ भी आप जाएंगे आपको एक पूरा जश्न का माहौल नज़र आएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों को वो जो डिप्रेशन की लाइफ है उसमें से थोड़ी। अच्छा, मुझे शायद सितरा साहब ये भी बता दीजिएगा जहाँ जहाँ ये इवेंट्स हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, लोगों के ऊपर एज सच ऐसा तो बर्डन नहीं है कि उन्हें अंदर जाने के लिए फैमिली के साथ जा रहे हैं, वो चाहे जिलानी पार्क है, वो चाहे मिंटो पार्क है, लोगों को नहीं, कोई एंट्री पास भी नहीं है और कोई एंट्री फीस भी नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर कहीं से ये शिकायत भी आती है कि पैसे वसूल किए जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं। आप इस तरह जाएं कि जिस तरह रूटीन में लोग पार्क्स में जाते हैं उसी तरह जाएं, रूटीन में लोग जिस तरह आप मज़ारात पे या दरबारों पे जाते हैं उसी तरह जाते हैं। एक इवेंट का टाइम है, उस दौरान जोहर के बाद ज्यादातर महफिल समा और क्वाली जो है वो हो रही है, उस पर जाए, कोई इसमें पास नहीं। अगर देखें पासिस लगाने हैं तो फिर तो सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट उसको बना लेगी ना, बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसका क्या फायदा हुआ? एक तरफ कहें कि हमने सरकारी बोझ जो खजाने पे बोझ नहीं डालना, दूसरी तरफ सोर्स ऑफ इनकम जो आवाम पर हम बोझ डाल दें, तो इस तरह नहीं होता। ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट नहीं। हाँ, ये होगा क्या, मुझे जो नजर आ रहा है आपके स्टॉल्स लगे हैं, इन लोगों को ठेके पे आपने दिए होंगे, यही पैसा आप अगर उनके तमाम चीजों पे लगा के और मैनेज कर लें एक इवेंट को, तो मेरे ख्याल में सरकार से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, फैमिलीज के साथ जाएं, जश्न बहारा का ये मेला जो है काफी दिन लगा रहेगा, वीकेंड्स पे भी आप जा सकते हैं और इसके अलावा वीकडेज में भी आप जा सकते हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत दें, पार्किंग का ख्याल रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, क्योंकि ये बहार के रंग आप लोगों के लिए सजाए गए हैं। सो प्लीज़ आप लोग भी तआवुन कीजिए। अभी एक अपडेट आप तक पहुँचानी है हाई कोर्ट से, खबर यह है जी, मरियम नवाज़ के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्तों पर फैसला महफूज, और हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक फैसला महफूज किया है। अपडेट्स मजीद क्या हैं? मलिक अशरफ साहब ने ज्वाइन किया है। जी मलिक साहब। जी है ना, बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज के अलावा वफाकी वजीर कानून आजम दार समेत दीगर के खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, और जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त गुजार वकील राना शाहिद के दलाल सुनने के बाद इन दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है, और अब इन दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने के मुतालिक फैसला महफूज किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौकफ ये इख्तियार किया था कि मरियम नवाज और उसके अलावा जो दीगर हैं जिसमें आजमी चार्ज में दीगर हैं, इन्होंने अदलिया के खिलाफ बयान दिए हैं, और इन्होंने अपने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने अदलिया के खिलाफ बयानबाजी की है। तो अदालत की ये सजा की गई थी कि अदालत मरियम नवाज में दीगर के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई करे। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि मरियम नवाज ने सरगोधा में जलसा आम से खिताब करते हुए अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया था, जो कि तोहीन अदालत के जिम्मे में आता है। तो अदालत की ये सजा थी कि इनके खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, तमाम अदालत ने वकील के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच मलिक अशरफ साहब। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। हाई कोर्ट से एक अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। अपडेट ये है, इमरान खान के 3 केसेस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर। आपको ये भी बताएं कि ऑफिस का इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर एतराज, मजीद जान लेते हैं। मलिक अशरफ साहब ने ज्वाइन किया है, क्या एतराजात सामने आए हैं मलिक अशरफ साहब? ना बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए 3 दरखास्तें दायर की गई हैं, और ये डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने वसूल कर ली हैं, और जरा ये बता रहे हैं कि इन दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ लगा दिया है, और इन दरखास्तों में कुछ दस्तावेजात फ्राहम ना करने का इतराज़ हायद किया गया है, और वकील को हदायत की गई है कि वो मुतलक इतराज़ जो है वो दूर करे। इसके बाद इन दरख्वास्तों की समाअत के लिए बकायदा को बेंच तश्कील दिया जा सकता है। जरा ये बता रहे हैं कि अभी तक इस पर कोई बेंच तश्कील नहीं दिया गया, और ये दस्तावेजात जो है वो फराहम करने की हिदायत की गई है, और इन 3 दरख्वास्तों पे इतराज़ आयद किया गया है। जी मलिक अशरफ साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह करे थे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब, साई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम होने की वजह से हम आगे गुफ्तगू नहीं बढ़ा सकते, हमें अब भी एक ब्रेक लेनी है, हेडलाइंस आप जानिएगा, फिर शो में ज्वाइन करते हैं।
एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम अक्सर आपको मिलवाते रहते हैं उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो कि बाहर रह के भी अपने मुल्क के लिए काम करने की लगन रखते हैं और अपने मुल्क में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव करते रहते हैं कि लोगों के लिए बेहतरी हो सके। आज के हमारे मेहमान भी ऐसे ही हैं जो कि मुल्क से बाहर तो रहते हैं लेकिन अपने मुल्क के लिए वो दर्द रखते हैं कि यहाँ पर जो लोग मुश्किल में हैं उनके लिए कुछ काम करते रहें। वो चाहे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम है, हमारे मेहमान जो हैं इसमें हमेशा पेश रहते हैं। आपकी मुलाकात कराएँगे हमारे आज के मेहमानों से। अमजद बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चौधरी अब्दुल्ला साहब ने ज्वाइन क्या है, सदर कम्युनिटी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है अमेरिकन और इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जी अब्दुल्ला साहब। चौधरी अब्दुल्ला साहब अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल्ला साहब आपसे आगाज़ कर लूँगी, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, कितना अर्सा हो गया आपको बाहर और बाहर रह के मुल्क के लिए सर्व करना, बेसिकली आइडिया क्या था इसके पीछे? बेसिकली थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मुझे आई वेंट देयर फॉर माय एजुकेशन आफ्टर ओ लेवल्स, मैंने वहाँ पे जाके बैचलर्स किया और आई बीन देयर सिंस 2010। और बेसिकली इसमें पर्पस हमारा ये है, जो कापा हायो है, इट स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन्स। इस प्लेटफॉर्म के अंडर हम जो भी वहाँ पे पाकिस्तानी लोकल्स हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, उनके लिए हम एक्टिविटीज़ रखते हैं ताकि कोई भी होम सिक फील ना करे। और काफ़ी लोग हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं है लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सारे लोग जो नहीं भी जानते वो भी एक बिल्कुल पाकिस्तान जैसा माहौल उनको मिलता है वहाँ पे। यानी आपने वहाँ पर भी अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए और उनको ये फील ना हो कि अपने मुल्क से वो दूर हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो अमजद साहब, मैं आपसे जानूंगी क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरह आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करते हैं, उनके इश्यूज़ वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? देखिए जी, सबसे पहले लोगों को चाहिए होती है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में फूड भी होता है, बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, औरतों की एक्टिविटीज़ हैं, मर्दों की एक्टिविटीज़ हैं। तो हम कुछ उसमें म्यूज़िक होता है, कुछ उसमें कैरियोकी होती है, कुछ उसमें रिलीजियस यू नो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें साल के अंदर शब रात होगी, इस तरह की चीज़ें। और औरतों के लिए कुछ एंगेजमेंट्स होती हैं, ईद पे चांद रात, इस तरह की ऑप्शंस। और बच्चों के लिए कोई फैशन शो बच्चों के लिए। यानी आप वहाँ पे रहते हुए भी अपने इवेंट्स को पाकिस्तान के भरपूर सेलिब्रेट करते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल, मोर देन पाकिस्तान। हाँ जी जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपनी सकाफत को, अपनी उन चीज़ों को हमेशा याद रखते हैं और बाहर रह के भी। अच्छा जी, पाकिस्तानी हालात पर कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ के हालात आपके सामने हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हालिया जो सैलाब के बाद तबाहकारियाँ हुई, बहुत सारे लोगों को हेल्प की ज़रूरत थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया, कैसा रोल रहा आपका? देखिए जी, जब सैलाब आया तो सबसे ज़्यादा जो दिल दुखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दुखते हैं, जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है ग्लोबली। तो ऑब्वियसली हम सारे जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स थे पूरी अमेरिका में, सब ने एक दूसरे के साथ रब्ता किया और सब ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए फौरी तौर पर। तो हमने एक टेलीथॉन जो है अरेंज की, डॉक्टर वकास नवाज़ हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो अब्दुल्ला बरसा साहब ने हमारा शारा बशारा साथ दिया, तो ये कुछ एलैबोरेट करेंगे फिर हमने क्या किया टेलीथॉन में। टेलीथॉन में बेसिकली हमने ये किया कि हमने पाकिस्तान से वफाकी वज़ीर हैं एहसन इकबाल साहब, वो हमारे साथ शामिल थे, और मोहम्मद आसिफ क्रिकेटर जो हैं पाकिस्तान के काउंसलर जनरल जो हैं शिकागो के, वो और हम सब ने मिल के, क्योंकि इन पर्सन थोड़ा मुश्किल हो जाता है सबको इकट्ठा करना, तो हमने टेलीथॉन किया था ऑन जूम। तो उसमें हमने कितने 80,000 डॉलर्स हमने रेज किए थे विद इन वन आवर। दैट्स ग्रेट। यस, सो इस तरह आप देखिए कि ओवरसीज जो हैं वो बाहर बैठ के भी जो है अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही बेसिक, आई थिंक इट्स अ बेसिक नेसेसिटी जो इस मुल्क में नहीं है, और हम उसमें ऑल्दो हम दावे बड़े करते हैं कि हम बड़ा जदीद दौर में आ चुके हैं लेकिन अभी भी यहाँ पर इट्स अनफॉर्चुनेट। एग्जैक्टली, उसमें हम जो है ना वर्क कर रहे हैं, हम डिफरेंट सेमिनार्स कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल लोगों के साथ मिल के, फैमिलीज़ के साथ, औरतों को जिस तरह उनकी राइड पे अगर उन्हें जाना है तो हम प्रमोट कर रहे हैं कि स्कूटीज़ हों, छोटी बाइक्स हों जिनके ऊपर स्पेशली औरतों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स हों, जो ताकि वो अगर कहीं उन्होंने आना जाना है तो दे कैन गो ऑन देयर ओन। और बेग साहब, इसमें आपने भी काफ़ी
जी जी काम। तो एक हमारे दोस्त हैं अदनान इब्राहिम, मेरे क्लास पर है 9th grade से, तो वो उन्होंने एक ज़मीन डेडिकेट की है लाहौर में, वो जहाँ पर हम वुमेन स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है ना वहाँ शुरू करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे। उसमें कापा ओहायो जो है सोच रहे हैं कि हम एक कापा पाकिस्तान जो है इस्टेब्लिश करें और उसके थ्रू जो है ना वो सारा सिस्टम हम रन करें और एक दो और नॉन प्रॉफिट्स को भी एंगेज करें। तो ये हमारा इरादा है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन फॉर वुमेन बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है, आपको अगर लोगों को एम्पावर करना है, उनके पाँव पे खड़ा करना है, जो यहाँ पर महंगाई के हालात हैं, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। अब कंसर्न ये है कि कैसे लोग इसका हिस्सा बनेंगे, पता कैसे लोगों को चलेगा, यहाँ पर तो आपको प्रॉपर उसके लिए एडवर्टाइज करने की ज़रूरत होती है ना। अल्लाह का शुक्र हमें एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं, हमारी अपनी कम्युनिटी इतनी सरगर्म है पाकिस्तान के लिए कि वी शुड हैव एनी मनी प्रॉब्लम्स। तो हमारे लोग जो हैं वहाँ मोस्टली बिजनेसमैन हैं, हमारे एक मस्जिद है नमरा मस्जिद जो कि मोस्टली पाकिस्तानी ओन्ड, ओन्ड तो नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तानी ऑपरेटेड, पाकिस्तानी मैनेजमेंट है, तो जो कि हर दफ़ा जो है ना जब भी फंड सही होते हैं वो अनाउंस भी नहीं करते और सब मिलके अच्छा इकट्ठा कर लेते हैं। दैट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा जी, अब क्योंकि आप लोग मौजूद हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी अब्दुल्ला साहब, यहाँ पर हमारे नौजवानों में बहुत सलाहियतें हैं, पढ़ लिख के जो बाहर जाते हैं या फिर जो आला तालीम की गर्ज से जाते हैं, उनको बहुत ज़रूरत होती है कि उनको प्रॉपर गाइड किया जाए। सबसे बड़ा मसला होता है वहाँ जाके एडजस्ट करने में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सो इस तरह का कोई प्लान आपके पास है कि लोगों को गाइड किया जाए, उनको बताया जाए कि वहाँ पर उनके लिए अच्छे खासे मौके मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमने जो हमारे कापा ओहायो है इसका हमने एक साथ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कापा यूथ, ठीक है, तो उसमें जितनी भी यूथ है जो ओवरसीज़ में जो पाकिस्तानीज आते हैं वहाँ पे एजुकेशन के लिए स्टूडेंट वीज़े पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनको हम इंगेज करते हैं, क्योंकि वो तो जब वहाँ पे नए पहुँचते हैं तो दे डोंट नो एनीबॉडी एग्जैक्टली, तो वहाँ पे अगर उनको कोई भी मसाइल हैं, इफ़ दे नीड टू फाइंड अ हाउस, अ जॉब या कोई भी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो, तो हम उनको उसमें जो है बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और उनको इंगेज करते हैं लोकल यूथ के साथ जो ऑलरेडी वहाँ पे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनके साथ जो नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपस में मिल के फिर वो आगे काम करते हैं। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बेग साहब, अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए क्या हैं बाहर के ममालिक में, क्योंकि यहाँ से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है ना, और क्या सेफ माहौल है, जाके कुछ परेशान तो नहीं होना पड़ता? माहौल तो आपको पता है कि बाहर के ममालिक में बहुत सेफ है, सिक्योरिटी इशूज़ वहाँ नहीं है, और यूथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अमेरिका खासतौर पर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, तो जो भी अमेरिका में लैंड करता है अगर वो मेहनत करना चाहता है उसके लिए हर रास्ता खुला है। अच्छा, हमारे यहाँ ये हालात है ना कि यहाँ पे आप गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाएं, जो ट्रैवल एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको इतने सुहाने ख्वाब दिखा देते हैं, पैसे अच्छे खासे ले लिए जाते, इन इश्यूज से कैसे बचा जाए? देखिए जी, इटली का हादसा आप सबके सामने है, जो किश्ती का हादसा हुआ, बहुत सारे लोग डूबे हैं और डेस्परेट लोग जो है वो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी जान गंवाने के बजाय प्रॉपर राउट्स इख्तियार करें, उसमें एजुकेशन का राउट है, प्रॉपर विजिट वीज़ा अप्लाई करें, और बेशुमार तरीके हैं, आप जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं, जापान ने भी ऑप्शंस काफ़ी दिए हैं, 900 पाकिस्तानियों को उन्होंने वीज़ा देना है जी, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस यू नो यू कैन यूज़। तो इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होनी चाहिए, इन उल्टे रास्तों पर चल के मैं कहती हूँ आपका नुकसान ही होता है, फ़ायदा कोई नहीं, ये मिसालें हमें सिखाने के लिए ही हैं, तो प्लीज़ इनसे कुछ सीखिए। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को बताना है कि आप अगर प्लान कर रहे हैं जाने का तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको बड़ी अच्छी और सेफ़ जॉब मिल सकती है। बिल्कुल, पहले तो एजुकेशन होगी कि अगर वो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आएँ, अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करें और उसके साथ साथ वो कर सकते हैं। क्या कोर्सेज भी कोई डिफरेंट ऑफर किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे? जी जी बिल्कुल, इसमें वर्कफोर्स में अगर वो ले कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं, या अगर वो अपनी बैचलर्स कंप्लीट करके साथ इंटर्नशिप्स करते हैं तो वही इंटर्नशिप जब वो कर रहे होते हैं तो वो आगे उनको परमानेंट कर देते हैं जॉब्स, तो ये एक सबसे सेफ तरीका और इजी तरीका है। सो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर अमेरिका में भी ये लोग जो हैं भरपूर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, और जो यहाँ से पाकिस्तानी जा रहे हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी पाकिस्तानियों की हेल्प कर रहे हैं। कुछ फ्यूचर प्लान्स हमें बताइएगा, क्या हैं आपके फ्यूचर प्लान्स? हमारे ये हैं कि हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी यहाँ पर बच्चे नए जाएँ वो
उनको कोई भी मसाइल पेश ना आए, तो उसके लिए हमने अपने जो यूथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, वो जो इवेंट्स हैं हम उनको गाइड करते हैं और वही उसको पूरा ऑपरेट और एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें वो नए बच्चों को अपने साथ लेकर चलते हैं, पॉलिटिकल उनको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर हम रह रहे हैं तो वहाँ के अंदर हमें लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। तो उसके लिए जो हमारे नए यूथ हैं, जब इलेक्शंस आते हैं तो हम उनको जो है जो कैंडिडेट्स के साथ मीट एंड ग्रीट सेशंस करवाते हैं, फिर उनकी कैंपेन्स के अंदर हम उनको जो है वो वॉलंटियरशिप वो करते हैं, तो जिसके साथ वो लर्न करते हैं। सो इन द फ्यूचर इफ़ एनीबडी वॉन्ट्स टू रन तो दे हैव मोर। ये ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ना, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। बीक साहब क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? जो पाकिस्तानी सबसे पहले जो अमेरिका में हमें देख रहे हैं उनके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि पॉलिटिकली अपने आप को लोकल ऑफिस के लिए तैयार करें, सबको लोकल ऑफिस में रन करना चाहिए एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन। उसमें अब्दुल्ला बरसा साहब है ये भी रन कर रहे हैं ग्रोव पोर्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, और हसनैन अली चौधरी साहब हमारी कम्युनिटी में है वो भी रन कर रहे हैं अपने गहाना सिटी काउंसिल से, और फरजाद अहमद जो हैं वो भी रन कर रहे हैं, इस तरह एक उमर अशरफ साहब हैं वो भी डेलीवर से रन कर रहे हैं। हमारे 4-5 पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त एक्टिवली रेडी हैं रन करने के लिए लोकल इलेक्शंस में इन कोलम्बस ओहायो। तो इसी तरह हम और पाकिस्तानी अमेरिकन पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी पाकिस्तान में मैं चाहता हूँ कि लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए और अवेयर होना चाहिए, और चूज़ द राइट कैंडिडेट फॉर योर सिटी बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि इन्होंने ही आगे चल के आपके मसाइल हल करने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक ग्राम के सिस्टम में जी, हम आपको बताने वाले हैं गाना कहानी सुनो, जो कि कोक स्टूडियो सीजन 14 का इतना ज़बरदस्त गाना रहा और इतनी पजीराई इस गाने को मिली ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। और अब जी हमारे लिए मेरे ख्याल से प्राउड मोमेंट ये है कि नीदरलैंड की बहुत ही फेमस गुलकारा हैं जिन्होंने ये गाना गाया है। सो कुछ आपको झलकियां दिखा देते हैं इसकी। सो गाने की पजीराई का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में लोग इस गाने को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक, सेगमेंट्स की तरफ जा रहे हैं और मौसम में क्योंकि अच्छी खासी तब्दीली हम शहर में देख रहे हैं, सो आज का मौसम कैसा होगा टुडेज वेदर में देख लेते हैं। So, कोमल बाहर मौजूद है, हमें अपडेट कर रही है बाहर के मौसम से। ओवर टू यू। जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मेरे चेहरे पर पड़ने वाली धूप से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज सूरज ने किरणें जो है वो चारों तरफ तेज़ कर ली हैं, हल्की हल्की हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है, लेकिन सूरज की हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिशों के हवाले से भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किया, और शहरी भी हमारे जो है वो कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं क्योंकि मिले जुले मौसम का रुझान है, सुबह के औकात में मौसम ठंडा होता है, दोपहर के औकात में मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म महसूस किया जाता है, तो इसलिए शहर भी परेशान है कि किस तरह से जो है वो अपने पहनावे में तब्दीली लाएँ। और बात की जाए लाहौर में बारिशों के हवाले से तो बारिशों के हवाले से कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है, आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर का मौसम इसी तरह से तब्दीलियाँ दिखाने वाला है। फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, इस वक्त लाहौर में एक क्यूआई की शरह जो है वो 182 रिकॉर्ड की गई है, और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में एक बार फिर दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है, तो शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद की जा रही है। वहीं शहरियों को इस बात की भी यकीन दहानी करवाने के हवाले से कहा जा रहा है कि जहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियाँ बहुत सी ऐसी व्हीकल्स इस्तेमाल की जा रही हैं जो कि शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने का सबब बन रही हैं, तो उसके खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज करवाएँ ताकि शहर लाहौर की फ़िज़ा बेहतर करने में हर शहरी अपना किरदार निभा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच कोमल। मौसम की सूरत आप हाल आपने बताई, अब हमने आपको बताने हैं आज की रेट लिस्ट क्या है, सब्जियों के रेट क्या हैं। हमारा सेगमेंट है जी आज के भाव। सो मार्केट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज दिलावर। जी दिलावर, रेट लिस्ट बताइए आज की। जी है ना बिल्कुल, सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फर्क है वो बरकरार है। सबसे पहले
प्याज की कीमत की बात की जाए तो 150 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 175 रुपये तक प्याज जो है फरोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत की बात की जाए तो 50 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 70 रुपये तक टमाटर जो है फरोख्त हो रहे हैं। इसके साथ लहसुन की कीमत की बात की जाए तो 350 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 400 रुपये तक लहसुन जो है फरोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत की बात की जाए तो 650 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 700 रुपये। हमारे साथ हाफिज दिलावर मौजूद थे, आज की रेट लिस्ट हमारे साथ वो शेयर कर रहे थे। सो नाज़रीन, आपने देखा कि रेट्स में उतार चढ़ाव जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहा है और यही सिलसिला हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी जो सरकारी रेट है उस पर अगर सब्ज़ी खरीदें तो वो सब स्टैंडर्ड है। अलबत्ता अगर ख़ास तौर पर हम बात करें ओपन मार्केट की, तो वहाँ पर सरकारी रेट लिस्ट पर अमल कहीं पर भी नहीं हो रहा। तो ये लोगों की शिकायत है जो कि हम डीसी साहिबा तक भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इनके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो कार्रवाइयां कर रहे हैं लेकिन कहां फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। सो रिक्वेस्ट है कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल, लेकिन अब वंस अगेन जिनकी बर्थडे है वो हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, नाम भिजवा दें, हम कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। सेकेंडली, आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, अपनी सजेशन भेजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।